हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ रॉ बनाना करी, जिसको हम बंगाली में बोलते हैं काचा कोलार कोफ्ता करी। तो इसे कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें चाहिए इसको बनाने के लिए, चलिए हम वीडियो में देखते हैं। तो ये देखिए, मैंने दो बनाना लिया है जो कि बिल्कुल ग्रीन है, यानी कि कच्चा है। इसको हम थोड़ा सा नमक के साथ, बहुत ज़्यादा नमक के साथ हम इसको बॉयल करेंगे। तो देखिए, मैंने बॉयल कर लिया है, साथ में मसाले लिया है, नमक, हल्दी, मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर थोड़ा थोड़ा, जो कि आधा चम्मच से भी कम है, 2 चम्मच बड़े चम्मच मैदा लिया है और थोड़ा सा चॉप किया हुआ अनियन लिया है मैंने। अभी मैं केले को अच्छे से स्मैश कर रही हूँ, और आप केले के साथ मैंने मैदा लिया है, आप आलू को भी बॉयल करके दे सकते हो या फिर बेसन भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और ये देखिए, मैंने मसाले ले लिया है, सभी मसाले को हम इसके साथ एक साथ मिक्स करेंगे। चॉप किया हुआ प्याज भी मैंने ले लिया है, थोड़ा सा ही चॉप किया है, एकदम कम लिया है प्याज, क्योंकि हम बाद में डिश में यूज़ करेंगे और भी प्याज। करीब 1.5 चम्मच बड़ा चम्मच मैंने मैदा लिया है, अगर आप ज़्यादा केला यूज़ करते हो तो आप थोड़ा और ज़्यादा मैदा ले सकते हो, जिससे कि एक अच्छा डो बने हमें उसी हिसाब से मैदा लेना होगा। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से स्मैश कर लिया है, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी मैंने लिया है, वो भी मैं इस मिक्सर में डालूंगी और इसको अच्छे से मिला लूंगी। देखिए, मैं थोड़ा कंजूस हूँ तो मसाले को मैं ऐसे खुरेद खुरेद कर निकाल रही हूँ, और अपना डो में मैं मिक्स कर रही हूँ गरम मसाले का फ्लेवर, और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको छोटे छोटे बॉल बना के फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, फ्राई करने के लिए मैंने तेल दिया है जो कि है रिफाइंड ऑयल। तो देखिए, हमारा डो एकदम रेडी है, इसको हम छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। पहले हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसको छोटे छोटे बॉल बना के हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा नमक दिया है, तो देखिए मैंने इसका पेड़ा का साइज़ का बना लिया है, छोटे छोटे बॉल करके उसको चपटा कर लिया है। तेल एकदम अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें दे देंगे अपना पेड़ा, जो कि हमने रॉ बनाने के साथ बनाया है, और इसको दोनों तरफ से अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन बना लेंगे। तो इसको देखिए, दूसरी तरफ से भी हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। तो तब तक देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। प्याज का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, और ग्रीन चिली को मैंने कूट लिया है, और एक इंच अदरक को भी मैंने कूट लिया है। 2 मीडियम साइज के प्याज को मैंने पेस्ट बनाया था, और 1 टमाटर को मैंने पेस्ट बनाया था। तो देखिए, मैं सभी बॉल्स को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अभी मैं बाकी बॉल को भी अच्छे से फ्राई करूँगी। देखिए, हमारा बॉल बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। एक्चुअली ये बॉल नहीं है, ये पेड़ा टाइप का है, आप बॉल साइज़ का भी बना सकते हो। मैंने इसको बॉल बना के उसके बाद थोड़ा सा हाथ से इसको चपटा कर लिया था। तो सभी पेड़े को हमने फ्राई कर लिया है, अभी हम एक आलू को भी फ्राई कर लेंगे। आलू के हमने छोटे छोटे करके पीसेस किए हैं, ज़्यादा भी छोटा नहीं और ज़्यादा भी बड़ा नहीं, मीडियम साइज़ का हमने चॉप किया है इसको। इसको हम थोड़ा सा नमक और हल्दी के साथ इसको हम फ्राई करेंगे, करीब 1/2 चम्मच नमक और थोड़ा सा हल्दी के साथ हम इसको फ्राई करेंगे।
इसको हम ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए। आलू को भी हम दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दो मिनट बाद देखिए आलू हमारा फ्राई हो गया है, अभी हम इसको निकाल रहे हैं। और इतना तेल हमें नहीं चाहिए तो थोड़ा सा तेल मैं निकाल के रख दूंगी। अभी इस ऑयल में हम बाकी डिश को बनाएंगे। एक तेज पत्ता लिया है मैंने, इसको मैंने तोड़ के डाल दिया है। एक ड्राई चिली, इसको भी आप तोड़ के डाल सकते हो, मैंने इसको साबुत ही डाल दिया। अभी मैं इसको तोड़ दूंगी, दो पीसेस कर लूंगी इसको। काफ़ी मशक्क़त करना पड़ रहा है। थोड़ा सा साबुत जीरा दूंगी अभी मैं, करीब आधा चम्मच। अभी मैं दे रही हूँ अपना प्याज का पेस्ट, जो मैंने दो प्याज को मैंने पेस्ट बना के रखा था, वो मैंने दे दिया है कढ़ाई में। अदरक का पेस्ट, ग्रीन चिली जो मैंने कूट के रखा था, 4-5 ग्रीन चिलीज को। टमाटर का पेस्ट, एक ही टमाटर का पेस्ट है इसमें। थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं, एकदम ही थोड़ा सा, आधा चम्मच से भी कम। अभी हम बनाएंगे मसाले का घोल। करीब आधा चम्मच धनिया पाउडर हम पानी में मिला लेंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच से भी कम, एकदम ही कम, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा। करीब आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर हम इसमें डालेंगे। मसाले का घोल हमने डाल दिया है कढ़ाई में। अच्छे से मसाले को हम मिक्स करेंगे। पाँच मिनट के लिए ढक दिया है। 5 मिनट बाद देखिए हम इसको फिर से चला लेंगे। फिर से हम इसको ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए, जब तक कि इसमें से पूरा का पूरा तेल छोड़ना स्टार्ट ना हो जाए। तो देखिए अभी काफ़ी तेल बाहर आ चुका है। हमारा मसाला लगभग रेडी है। थोड़ा सा चीनी, आधा चम्मच से भी कम, थोड़ा सा चीनी हम टेस्ट को बैलेंस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं।
इस बोल के आधा बोल मैंने पानी दे दिया है, मीडियम साइज के बोल का। इसको हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद देखिए इसमें एकदम उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अभी हम इसमें अपना आलू डाल दिया हमने। ये जो आलू है ये थोड़ा छोटा छोटा आलू है, तो इसको बॉईल होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, आप बड़ा वाला आलू यूज़ कीजिएगा। इसको हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे, जब तक ये आलू अच्छे से 80% तक कुक ना हो जाए। आलू अभी भी कुक नहीं हुआ है, आलू अभी भी थोड़ा हार्ड है। मैंने आपको पहले ही बताया था आज मैंने जो छोटे वाले आलू लिए हैं वो थोड़ा टाइम लगता है इसको बॉईल होने में। कोफ्ता भी हमने डाल दिया है, देखिए कोफ्ता को आप ज़्यादा पहले मत डालिएगा, नहीं तो ये टूटने के चांसेस होते हैं, और अगर ये कोफ्ता टूट गया तो सब एकदम मिक्स हो जाएगा करी में और खाने में एकदम अच्छा नहीं लगेगा। इसको आप संभाल के डालिएगा। इसको हम ढक देंगे फिर से 6-7 मिनट के लिए। अभी आप चेक कर लेना कि आलू बॉयल हुआ है कि नहीं। देखिए हमारा कोफ्ता थोड़ा थोड़ा फूल चुका है, इसका मतलब हाँ आलू थोड़ा बॉयल हुआ है, लेकिन और थोड़ा बॉयल होने की ज़रूरत है। हमारे कोफ्ते ने काफ़ी सारा ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लिया है, और भी हमको ग्रेवी को थोड़ा ड्राई करना होगा और आलू को भी थोड़ा और बॉयल करना होगा। तो इसको हम फिर से 5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो आप देखिए हमारा टेस्टी टेस्टी कोफ्ता करी लगभग रेडी है। आलू भी बॉयल हो गया है, कोफ्ता भी एकदम सॉफ्ट हो गया है, सभी मसाले को कोफ्ते ने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी हम गैस को कर देंगे बंद, थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला को छिड़केंगे और 2 मिनट के लिए इसको मिला कर हम ढक देंगे। उसके बाद मैं आपको इसे सर्व करके दिखाऊंगी। लेकिन आपको संभाल के चम्मच को चलाना होगा, नहीं तो कोफ्ते टूट सकते हैं। ये बाद में और भी ठीक हो जाएगा। तो देखिए हमारा टेस्टी कोफ्ता करी रेडी है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।